हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इंपोर्ट कुछ अर्जेंट चीज को इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन चल रही है और मशीन का कोई पार्ट डैमेज हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक गई। तो इस केस में क्या हुआ, हमें जो पार्ट्स चाहिए था मशीन का, वो हमें इमीडिएट ऑर्डर किया उस सप्लायर से जिससे वो पार्ट्स अवेलेबल हो। ओके, तो हमने क्या किया, एक परचेज ऑर्डर बनाया और परचेज ऑर्डर उसको भेजा। परचेज ऑर्डर भेजने के बाद उन्होंने भी वहाँ से एक पीआई बनाया डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और उस पीआई में सारी रेट्स नेगोशिएशन हमारी हो गई। ओके, सो फाइनली वी हैव डिसाइड शिपमेंट ऑन द एफओबी टर्म्स। तो यहाँ पे हमने एफओबी टर्म पे जो पार्ट्स हमारा चाहिए था वो हमने उससे मंगाया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। ठीक है, उसने हमें पीआई भेजा एफओबी टर्म की, बोला, हमने बोला ठीक है, हम एफओबी करेंगे, फ्रेट देंगे, क्लियरेंस देंगे और यहाँ की आपके मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग के बाद के सारे एक्सपेंसेस हम बियर करेंगे, आप गुड डिस्पैच कर दो और इमीडिएट डिस्पैच करो। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, उसने पीआई दिया, हमने परचेज ऑर्डर बना लिया और हमारी फाइनल डील होगी, गुड्स की रेट डील हो गए। इसके अलावा हमारी टर्म्स होगी, वो थी हमारी वो एफओबी होगी। अब पेमेंट टर्म्स की अगर बात करें तो हमने पेमेंट टर्म हमारी डिसाइड कर ली कि भाई 50% आपका एडवांस और 50% आफ्टर गुड्स रिसीव, ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, जैसे ही हमारी इतनी प्लानिंग हुई तो हमें 50% उसको एडवांस देने, तो हमने क्या किया, हमने मेल सेंड किया हमारे अकाउंट्स टीम को, और अकाउंट्स टीम ने क्या किया, हमने जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके पीआईपीओ उसका 50% वैल्यू लिख के उस पर मेल पे लिख दिया फाइनेंस टीम को कि भाई प्लीज रिलीज दिस पेमेंट, 50% पेमेंट ऑफ दिस परचेज ऑर्डर। ओके, तो फाइनेंस टीम ने उस हमारे सप्लायर को जिसे हमें पार्ट्स मंगाना था वो पेमेंट कर दी 50%। ठीक है, जैसे 50% पेमेंट गई तो वहां से हमारे सप्लायर ने क्या किया, गुड्स डिस्पैच कर दिया। अब गुड्स की टर्म थी फ्री ऑन बोर्ड, मतलब एफओबी टर्म थी, और पेमेंट टर्म थी वो थी आपकी 50% एडवांस, 50% आफ्टर गुड्स रिसीव। ठीक है, तो दोनों टर्म्स यहां पे हो गई। अब देखो 50% पेमेंट हमने कर दिए, अब 50% पेमेंट हम करेंगे जैसे ही गुड्स हमारे प्लांट में लग जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वहां से उसने क्या किया, गुड्स डिस्पैच किए और उसने अपना क्लियरेंस के लिए अपना खुद का एजेंट बुक किया वहाँ पे सप्लायर कंट्री में, वो जो उसकी खुद की कंट्री के जो कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस के लिए जो एजेंट था आपका सीएचएफ फ्रेट फॉरवर्ड, तो उसने वहाँ से कर लिया। अब हमें यहाँ पे इधर हमें करना है क्योंकि शिपमेंट हमारी है फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, मीन्स की पोर्ट ऑफ लोडिंग के बाद के फ्रेट अरेंजमेंट प्लस इंडिया की जो कस्टम क्लियरेंस है वो हमें मैनेज करना है। तो जैसे ही हमारा परचेज ऑर्डर बना था और हमारी जो डील हुई थी उस टाइम हमने क्या किया था, हमने हमारे इंडिया के लोकल एजेंट से, ठीक है, फ्रेट नेगोशिएट करके शिपमेंट उसको दे दी थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसमें सारे लगे थे, सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने देख लिए, प्रॉपरली सब कुछ हो गया। उसके बाद जैसे ही उसने गुड्स डिस्पैच किए, पोर्ट ऑफ लोडिंग पे शिपमेंट आई, तो जो आपकी वहां से जो शिपमेंट थी वो फिर हमारा जो इंडिया का था फ्रेट फॉरवर्डर उसने वहां से वो पिकअप कर ली। ठीक है, अब वहां से शिपमेंट पिकअप हो गई और इंडिया में आ गई। ठीक है, और साथ साथ उसने क्या किया था, जो डॉक्यूमेंट भेजे थे उन डॉक्यूमेंट के बेस पे हमने अपने सीएचएस से यहाँ पे उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करवा ली। तो क्या था, हमने यहाँ पे हमारा जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट अलग है और जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो अलग है। ठीक है, जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की जो शिपिंग का और शिपिंग का जो वर्क देख रहा है वो अलग है, और यहाँ पे क्लियरेंस के लिए हमने एक अलग से एजेंट हायर कर दिया। तो हमने तीनों को इन्फॉर्म किया, तीनों को मेल में रखा सो देट की पूरी अवेयरनेस रहेगी, गुड्स वहां से निकल गए हैं और इतनी तारीख को यहाँ आएंगे। तो उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमने इंपोर्ट की प्रिपरेशन की। ठीक है, कस्टम में डॉक्यूमेंट फाइल किया और अपनी बिल ऑफ एंट्री बना ली। अब जैसे ही गुड्स पोर्ट पे आए उसकी एग्जामिनेशन हुई। ठीक है, और एग्जामिनेशन के बाद हमने देखा कि ये शिपमेंट हमारी एफओबी पे है, तो हमने पहले उसकी फ्रेट की पेमेंट की, क्योंकि एफओबी भी टर्म में होता क्या है कि जब तक तो उसका फ्रेट पे नहीं करते हो शिपिंग लाइन हमें गुड्स नहीं देती है,
तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी फ्रेट फॉरवर्डर से ये काम करवाते हैं, तो फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है, वो खुद ही पेमेंट कर देता है हमारे बिहाफ और गुड्स की अपनी कस्टडी में लेता है, मतलब गुड्स शिपिंग लाइन से डिलीवरी ऑर्डर ले लेता है, ठीक है। तो जब वैल्यू बहुत ज्यादा होती है फ्रेट की, तो फिर वो वहां उस केस में क्या करते हैं, जो फ्रेट होता है वो फिर हमें ईमेल कर देता है कि आप ये फ्रेट पे कीजिए, ठीक है, हम आपके आप ये फ्रेट कर दीजिए, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास अपनी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जैसे 50 लाख हो गया या 20 लाख का फ्रेट हो गया, तो इस केस में क्या करेगा हमारा जो फ्रेट फॉरवर्डर, वो हमें वो इनवॉइस भेज देगा कि इसकी पेमेंट कर दो, ताकि हमें जो गुड्स है वो हम इनसे ले सके, शिपिंग लाइन से ले सके, मतलब हमें डिलीवरी ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे ही हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो डिलीवरी ऑर्डर हमें मिल गई और गुड्स हमारी कस्टडी में आ गए, मीन्स कि हमारे फ्रेट फॉरवर्डर की कस्टडी में आ गए, ठीक है। और फाइनली कस्टम क्लियरेंस भी हो गई, कस्टम ड्यूटी भी हमने पे कर दी, ओके। तो कस्टम ड्यूटी पेमेंट का प्रोसीजर भी यही है, जब गुड्स पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आ जाते हैं तो उसके बाद हमें बिल ऑफ एंट्री जनरेट हो जाती है, और उस बिल ऑफ एंट्री के बिहाफ पर हम अपने अकाउंट्स टीम को भेजते हैं कि इसकी कस्टम ड्यूटी पे कर दीजिए, तो कस्टम ड्यूटी पे करके वो अकाउंट्स टीम हमें चालान भेज देती है, ठीक है। और हम अपने सीएचओ को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, आप इस शिपमेंट की डिलीवरी हमारे प्लांट में करो, ठीक है। तो दोनों पेमेंट हो जाती है, उसके बाद फाइनली गुड्स हमारे प्लांट में लग जाते हैं। तो प्लांट में लगने का प्रोसीजर क्या होगा कि उसका ई वे बिल प्रिपेयर करना होगा, तो जो हमारा सीएचए होगा वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करता है, तो पार्ट ए हमें प्रिपेयर करना होगा और पार्ट बी हमारा ट्रांसपोर्टर प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो डिटेल्स थी वो ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी व्हीकल नंबर, जीआर नंबर, ट्रांसपोर्टर जीएसटी नंबर, वो अपने आप डाल लेता है, और पार्ट ए की जो डिटेल्स है, बिल ऑफ एंट्री और ये अदर चीज डिटेल्स, वो हम अपने प्लांट से हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डाल देगा, और इस प्रकार फाइनली ईवी भी बन जाएगा और गुड्स आपके पोर्ट से ही, मतलब आईसीडी से फाइनली हमारे प्लांट में लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमें पेमेंट करनी होगी सीएचए, क्योंकि सीएचए ने हमारी कस्टम क्लियरेंस की है, ठीक है। तो वो हमें एक बिल बना के देगा, ठीक है, उसमें वो अपने खर्चे लेगा, खर्चे क्या क्या लेगा कि उसकी कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होंगे, ठीक है, कंटेनर शिफ्टिंग चार्जेस होंगे, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, ठीक है। अगर कस्टम ड्यूटी उसने पे किए तो वो अपनी ड्यूटी बिल में लगा के देगा, अगर हमने किए तो वो ड्यूटी बिल में नहीं लगा के देगा। इसके अलावा आपका अगर इंश्योरेंस आपने करवाए तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस का वो होता है, सर्वे होता है कि वो गुड्स का फिजिकली वेरिफिकेशन होता है, उसका चार्ज भी लेता है। तो इस प्रकार से जो भी काम करता है वो फिर वो हमें अपने बिल में चार्ज करके देता है। यहाँ पे सीएचए हमें बिल देगा और उस बिल को हमें चेक इन वेरीफाई करना है, अगर बिल ओके है तो हमें अपने सीनियर से अप्रूव करवा के अकाउंट्स में डालना है कि इसकी पेमेंट कर दो। सेम इस केस में फ्रेट, अब देखिए ये तो खर्चे हो गए आपके क्लियरेंस एजेंट के, ऐसे ही बिल आपका फ्रेट उसका भी आएगा, जिसने हमारे मतलब शिपिंग लाइन का बिल, शिपिंग लाइन का बिल मतलब यहाँ पे होगा कि डायरेक्टली शिपिंग लाइन नहीं देगी, जो बीच में एजेंट होता है फ्रेट फॉरवर्डर, वो शिपिंग लाइन से ये काम करवाता है और वो बीच में रह के कुछ अपने कमीशन बेस पे फिर वो हमें बिल देता है। इन केस अगर हमने फ्रेट पेड कर दिया जब गुड्स की डिलीवरी लेते टाइम, तो फिर वो हमें वहां के डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस लेगा और डिटेंशन या अदर कुछ खर्चे होंगे तो वो लेगा, ठीक है। तो वो भी अपना बिल बना के देगा। तो यहाँ पे दो बिल आएंगे हमारे पास एफओबी के केस में, फर्स्ट बिल होगा आपका फ्रेट डिटेंशन और डीओ चार्जेस का, और सेकेंड बिल होगा क्लियरेंस का, ठीक है। तो इसमें क्लियरेंस के बिल में आपके खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन और ये जो मैंने आपको बताए थे, दोनों बिल आने के बाद हमारी शिपमेंट की प्रॉब्लम प्रोसेस हो जाएगी और फाइनली गुड्स हमारे प्लांट में लग जाएंगे। तो ये हमने इम्पोर्ट का एक प्रोसीजर समझने की कोशिश की स्टेप में। अब इसका एक लास्ट स्टेप रह जाता है कि जो हम पेमेंट करेंगे 50% हमारी जो पेमेंट बाकी है, तो जैसे ही गुड्स हमारे प्लांट में पहुंच जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि गुड्स का जीआरएन होगा और देख लेंगे, गुड्स चेक इन वेरीफाई हो जाएंगे कि गुड्स आर ओके, देन हम अपने फिनेंस टीम को भेजेंगे कि वी हैव रिसीव गुड्स इन गुड कंडीशन, आपकी जो इस सप्लायर की जो 50% पेमेंट है वो रिलीज कर दो। इस प्रकार से हम पूरी पेमेंट रिलीज कर देंगे, और पेमेंट रिलीज होने के बाद इसका इम्पोर्ट का एक लास्ट स्टेप बच जाता है, वो होता है कि आपको एविडेंस अगेंस्ट इम्पोर्ट सबमिट करने हैं। तो एविडेंस अगेंस्ट इम्पोर्ट में क्या होगा कि जो हमने सप्लायर को पेमेंट की है टू पार्ट में, 50% एंड 50%, ठीक है, तो उनके दो ट्रांजेक्शन के दो डिटेल्स बना के हम बैंक में जमा करेंगे, हमारी बैंक में जिस बैंक से पेमेंट हुई है, फिर वो बैंक जो आरबीआई मॉनिटर करता है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो उसके अगेंस्ट
उस बिल ऑफ एंट्री की डिटेल से वो रिकनसाइल कर लेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट हमें इम्पोर्ट अगेंस्ट एविडेंस में सबमिट करने हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर जिसमें हमें मेंशन करना है कि हमने क्या गुड्स इंपोर्ट किए थे, उसकी वो हमारे कौन से प्लांट में गए, उसके बिल ऑफ एंट्री नंबर क्या है, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, एयरवे बिल नंबर क्या है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी पेमेंट हमने दो टर्म में की तो दोनों के दो लेटर बनाएंगे। उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे होंगे आपका परचेज ऑर्डर, कमर्शियल इनवॉइस, एयरवे बिल या बिल ऑफ लेडिंग, इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री, ये डॉक्यूमेंट लगा के हम बैंक में जमा कर देंगे। इस प्रकार से जो स्टेप की जो फाइनल स्टेप हो जाएगी, ओके, और ये इम्पोर्ट का फाइनल स्टेप हो जाएगा। सो गाइस, आज के सेशन में हमने जाने की कोशिश की कि इम्पोर्ट के बेसिक स्टेप्स एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन, टेक केयर।